पाकिस्तान में पेट्रोल रिकॉर्ड 272 रुपए लीटर, एक महीने में पेट्रोल 58 रुपए तो डीजल 53 रुपए महंगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, संसद में बिल्कुल सही बयान दिया था, बीजेपी सांसदों के नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को दिया जवाब। समा का वफादार रहा सैफ अल आदिल, बना अलकायदा चीफ, अमेरिका ने इस पर रखा था 82 करोड़ का इनाम। भाजपा विधायक ने महिला पुलिस को धक्का मारा, उड़ीसा में कर रहे थे कानून व्यवस्था का विरोध, इंस्पेक्टर बोली मुझे डकैत भी कहा। यूक्रेन ने रूस के 6 जासूसी बैलून मार गिराए, एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, रोमानिया बोला ये हमारे यहाँ भी दिखे। राहुल ने गुलमर्ग में स्कीइंग का लुत्फ उठाया, केवल कार की सवारी के टूरिस्टर बोले भारत जोड़ यात्रा के बाद के हकदार। अमेरिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 2 की मौत, समीप पर गिरते हेलीकॉप्टर में लगी आग। सचिन पायलट बोले राजस्थान पर जल्द फैसला होना चाहिए, विधायक दल की बैठक में शामिल है, ना होने वाले नेताओं पर कार्रवाई में देरी पर उठाए सवाल। पाकिस्तान में पेशावर से क्वेटा जा रही ट्रेन में ब्लास्ट, 1 यात्री की मौत, 3 घायल, पेशावर से क्वेटा शहर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनेंगे, 2400 नए पद और एक सेक्टर हेडक्वार्टर की भी मंजूरी। सीरिया में 41,000 से ज्यादा मौतें, बचाव कार्य में 1,00,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे, अब तक विभिन्न देशों ने अपन की मदद। गुजरात के पाटण में बड़ा सड़क हादसा, टायर फटने से खड़े ट्रक में जाग तेज रफ्तार जीप 7 की मौके पर मौत। तालिबान की धमकी से सहमा चीन, पाकिस्तान में कौंसुलर ऑफिस पर ताला, नागरिकों से कहा पाक में रहना खतरनाक। तमिलनाडु में फौजी की पीट पीट कर हत्या, पानी की टंकी पर कपड़े धोने को लेकर विवाद, के पार्षद 25 आरोपी गिरफ्तार। दो देशों में हुए हादसों में 50 माइग्रेंट्स की मौत, लीबिया में नाव पलटी, 11 की मौत, पनामा में बस खाई में गिरने से 40 मरे।